हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तनुज कुक हाउस। आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे। पराठे बनाने में एकदम इजी है और खाने में भी एकदम स्वादिष्ट होते हैं, खस्ते भी है। इसे बनाने का तरीका एकदम आसान तरीका है। इन पराठों को हम नाश्ते में भी दे सकते हैं और टिफिन में भी दे सकते हैं। बच्चे लोग भी एकदम आराम से इसे खुशी खुशी से खा जाते हैं। तो चलो अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं मेथी की सब्जी और उसके डंठल का भाग निकाल कर खाली पत्तियां इस प्रकार से निकाल के लेंगे। सब्जी को अच्छी तरह धोकर थोड़ी देर के लिए सुखाकर बाद में ही हम इसे चॉप करके लेंगे। गीली सब्जी हमें कट नहीं करनी है, नहीं तो हमारे पराठे कड़वे बन जाएंगे। हमें इसे सुखा कर ही चॉप करना है और बाउल में निकालना है। यहाँ अब हम लेते हैं अदरक, मिर्ची, लहसुन और जीरा। हमें इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाते समय हम इसमें थोड़ा सा भी पानी यूज नहीं करने वाले हैं। ये जो पेस्ट है ना, इसी पेस्ट से हमारे पराठे एकदम स्वादिष्ट बनने वाले हैं। ये तो पराठों की जान है, इसे हमें अच्छी तरह से बनाकर लेना है। इस प्रकार से हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। हम इसे प्लेट में निकाल कर थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। और चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक परात और उसमें लेंगे 2 कप अपना नॉर्मल गेहूं का आटा। यहाँ मैंने 2 कप आटा लिया है। अब हम आटे में ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तीखा पाउडर, जीरा और धनिया का पाउडर 1 चम्मच और 1/2 चम्मच अजवाइन को हम इस प्रकार से क्रश करके डालेंगे। और अब ऐड करते हैं 1 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वादानुसार 1 चम्मच यहाँ मैंने डाला है और 4 टेबलस्पून बेसन। बेसन डालने से हमारे पराठे एकदम खस्ता बन जाएंगे। ऐड करते हैं मिर्च और अदरक की पेस्ट, चॉप की हुई मेथी। अब हम पहले इन सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरह से मिक्स करके लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। हमें यहाँ एकदम पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और पराठों के लिए आटा लगाएंगे। हमें इस आटे को अच्छी तरह से गूंदना है। इस प्रकार हम आटे को अच्छी तरह से मसल मसल कर गूंदेंगे और हमारा आटा एकदम सॉफ्ट बनाएंगे। ऐसे ही हम इसे 2-4 मिनट के लिए गूंथते रहेंगे। और अब हम ऐड करते हैं 2 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने से हमारा आटा एकदम चिकना और सॉफ्ट बन जाएगा। इसे हम अच्छी तरह से गूंथ कर लेते हैं। अब इसके ऊपर बाउल रखकर हम इसे 10 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। 10 मिनट हो गए। अब हम देखते हैं हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है। इस प्रकार अब हम आटे का थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेंगे और गोले बनाएंगे। गोलों को हमें पैटी जैसा प्रेस करके चपटा बनाना है और साइड में रखना है। यहाँ इस आटे से कम 10-11 चपटे गोले बन गए हैं। हम इसे साइड में रखते हैं। साइड में थोड़ा सा ड्राई आटा भी लेंगे। मीनवाइल हम तवे को भी गर्म करके लेते हैं। यहाँ हमें मीडियम फ्लेम रखनी है। चलो अब हम पराठों को बेलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक गोला और इसे बेल कर लेते हैं। 3-4 इंच होने के बाद हम इस सर्कल को तेल लगाएंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और इसको हम लगाएंगे और फोल्ड करेंगे। सेमी सर्कल बनाया है और इसको थोड़ा सा तेल लगाएंगे
और एक बार फोल्ड करेंगे। इस प्रकार से हमें इसे फोल्ड करना है और ट्रायंगुलर शेप बनाना है। आप चाहे तो इसे ट्रायंगुलर शेप में बेल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सर्कल शेप में बेला है। थोड़ा सा ड्राई आटा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से बेल कर लेंगे। इसी प्रकार से एकदम इजीली हम अपने पराठों को अच्छी तरह से बेल कर लेंगे। थोड़ा सा पतला ही रखेंगे। ये देखिए, इस प्रकार हमारा पराठा बेल के तैयार हो गया है। तवा भी गर्म हो गया है। अब हम इस तवे में हमारा पराठा डालेंगे और एक मिनट के लिए सेकने देंगे। छोटे छोटे बबल्स आना चालू हो गया है। अब हम इसे पलट कर लेंगे। और इस प्रकार स्पैटुला से पराठे के एजेस को प्रेस करते हुए सेकेंगे। इसी प्रकार पलट पलट कर हम दोनों साइड से पराठे को अच्छी तरह से सेक करके लेंगे। ऊपर से अब तेल या घी लगाएंगे, अच्छी तरह से स्प्रेड करके लेंगे। इवनली स्प्रेड करना है हमें। ये देखिए, पराठे में गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स भी आ गए हैं, मतलब हमारा पराठा अच्छी तरह से सेक के रेडी हो गया है। अब हम इसे निकालते हैं प्लेट में। अब हमें बाकी बचे हुए पराठों को भी इसी प्रकार से बेल कर लेना है। पूरी प्रोसेस हम इसी प्रकार से रिपीट करके लेंगे। ये देखिए, अब हमारे सारे पराठे बनकर रेडी हो गए हैं। ये पराठे एकदम सॉफ्ट और बढ़िया से लग रहे हैं, खस्ते भी बन गए हैं। इसे हम प्लेन दही के साथ या रायते के साथ सर्व करेंगे, कुछ नहीं तो अचार के साथ भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना, जरूर भूलना नहीं। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे जरूर आप शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।